हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। काफ़ी दिनों के बाद हम चैनल पर आए हैं, तो अब हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से हम चैनल पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक्स, जो आज की डेट में किन स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है, तो उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहला हमारा स्टॉक है जेडस लाइफ साइंस। जेडस लाइफ साइंस में आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरा जो ओपिनियन कहता है, आपको इस स्टॉक में 1,002 रुपए के लेवल के ऊपर बाय करना है। ठीक है, 1,002 रुपए के लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे टारगेट की, तो टारगेट कितना मिलेगा आपको, तो लगभग आपको स्टॉक में 1,030 रुपए तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका 1,015 और फिर 1,030 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर में आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है, बड़ा बुलिश ब्रेकआउट है। इसमें आपको वेट करना है स्टॉक के एक करेक्शन का। करेक्शन कहाँ पे मिलेगा, स्टॉक ऊपर है, नीचे आएगा 271 के आसपास। यहाँ से अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है, जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो आपको एक एंट्री का मौका मिल जाएगा। ओके, एंट्री का मौका मिल जाएगा। ठीक है, यदि स्टॉक 271 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको लगभग 265 के शॉर्ट की साइड टारगेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉक में नीचे आने की संभावनाएं कम है। एक बार स्टॉक रीटेस्ट करेगा 271 को यहाँ पे, और फिर आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट की भी बात करते हैं, तो यहां से आपको 5% के टारगेट भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 284, ठीक है, 284 का लास्ट टारगेट है आपका, और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 278। ठीक है, 278 का टारगेट फर्स्ट टारगेट है और फिर 284 का। तीसरा स्टॉक है पीटी लाइट इंडिया। इस स्टॉक में आपको एंट्री का मौका मिलेगा आपको यहीं पे स्टॉक में एक एंट्री का मौका मिल सकता है, लगभग 2964 रुपए के ब्रेकआउट पर। 2964 के ऊपर जैसे स्टॉक जाएगा आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस आप यूज करेंगे 2945 रुपए का। ठीक है, 2945 का आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे, और प्रत्येक स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। टारगेट आपका लगभग 3,070 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ठीक है, ओके, 3,070 तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो मैं दो टारगेट आपको इसमें बताने वाला हूँ। पहला टारगेट है आपका 2970 रुपए के आसपास। ठीक है, 2970 के आसपास का पहला टारगेट, और फिर 3,070 का टारगेट रहेगा। ठीक है, चौथा स्टॉक है मारुति सुजुकी में थोड़ा सा स्टॉक टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एंट्री लेनी है फ्रेंड्स, स्टॉक में एंट्री लेनी है आपको 12,388 के लेवल के ऊपर, 12,388 के लेवल के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखना है 12,280 का। ओके, 12,280 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपका कितना रहेगा, लगभग आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स 12,540 के आसपास का। ठीक है, 12,540 के टारगेट के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। सभी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस यूज करना है। ठीक है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है सीमेंस। सीमेंस में पहले मैं आपको टारगेट ही बता देता हूं,
आपका टारगेट काफी बड़ा हो सकता है इस स्टॉक में, आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस स्टॉक को। पहला टारगेट आपका रहेगा 5110 रुपए और फिर 5244 रुपए, डबल टारगेट मैं आपको बता रहा हूं इस स्टॉक में। अब एंट्री कहां पर बनेगी? एंट्री बनेगी हमारी 4998 के लेवल के ऊपर, ठीक है, 4998 के लेवल के ऊपर एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 4950 रुपए का, टारगेट 5110 और फिर 5240 रुपए के आसपास। कमिंस इंडिया, कमिंस इंडिया में ऑलरेडी ब्रेकआउट है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट है। यहां पे स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको यहीं पे एक एंट्री का मौका मिल जाएगा। वेट ना करें, इसमें स्टॉप लॉस रखें अपना 2910 रुपए का, ठीक है, और आपका स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। टारगेट की बात करें, कितना टारगेट मिल सकता है? लगभग यहां से आपको स्टॉक 2960 रुपए, फर्स्ट टारगेट है 2960 है, और उसके बाद स्टॉक में एक टारगेट और देखने को आपको मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं, जिस टारगेट को हम कह सकते हैं 2990 रुपए का, ठीक है। ये टारगेट्स इस स्टॉक में है। एक स्टॉक है एबीवी इंडिया, एबीवी इंडिया में भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनने का आपको वेट करना है। बुलिश कैंडल बनेगी, उसके हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। टारगेट आपको इसमें कितना मिलेगा? इस स्टॉक में टारगेट आपको मिल जाएगा लगभग 6070 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।